Guys, good afternoon and welcome back to my channel to Tripti's Chips. Tripti's Chips. Okay, so आज है 21st of September और आज एक बहुत बड़ी good news मिली है जो मैं आप सबके साथ share करूँगी. So good news ये है कि मैं दीदी बन गई हूँ. मतलब मैं पहले से ही दीदी थी. मेरा एक भाई है, मेरे और cousins भी है. मुद्दा ये है कि मैं फिर से दीदी बन गई हूँ. मतलब मेरे मामा का बेटा हुआ है. सो अभी हमें पता चला है. बहुत टाइम हो चुका था मामी को हॉस्पिटल लेते हुए. ऑपरेशन थिएटर में बहुत टाइम थी वो. सो घर में मम्मी भी थोड़ा टेंशन कर रही थी, वहाँ पे हॉस्पिटल में मामा भी थोड़ा टेंशन कर रहे थे. बट अभी सब ठीक है एंड बेबी एंड मदर बोथ आर फाइन एंड हेल्दी. सो वो अभी गुवाहाटी में है तो हम तो मिल नहीं सकते अभी. बट मुझे फ़ोटोज़ मिले हैं, फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बट अभी नहीं, अभी क्योंकि वो बहुत छोटा है. जस्ट वन डे भी नहीं हुआ, आई थिंक 1 to 2 hours आई गेस. या सो कुछ दिनों बाद मैं शेयर करूँगी. और अगर मैं गुवाहाटी अभी तो नहीं जा रही, जब मैं जाऊँगी तब मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कॉलेज के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ पर. तो मैं तब पक्का शेयर करूँगी उसके पिक्चर्स, क्या मैं उसके वीडियोज़ भी शेयर करूँगी. और गुड न्यूज़ यही था. सो अगर मैं मुंह मीठा करवा सकती तो मैं ज़रूर करवा देती, बट अभी नहीं करवा सकती, सॉरी. सो अभी तो 12:30 बज चुके हैं तो मैं लंच करती हूँ, फिर लंच के बाद मिलते हैं. लंच में है राइस, दाल एंड आलू फ्राई और साथ में कुछ कुकुम्बर. फिर खाने के बाद मिलते हैं. मेरा लंच तो हो चुका है, अभी मैं बाहर आई हूँ मेरे घर के गेट के बाहर. और यहाँ पे पूरा बारिश हो रही है. मतलब पूरे घर के वरांदा तक पानी आ चुका है, मतलब पूरा भीग चुके हैं. और मेरा भाई भी बाहर खेल रहा था अभी, तो वो भी भीग चुका है, पर उसे मज़ा आता है भीगने में. सो आप देख सकते हो कितने ज़ोर से बारिश गिर रही है. कैमरा में भी समझ में आ रहा है कि कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है. अरे हो नहीं तो अरे शहर में
जांच के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, पर मुझे इतनी नींद आ रही थी तो मैं सो गई। अभी मैं जस्ट उठी हूँ तो मैं सोचा अभी से ब्लॉग कंटिन्यू करना ज़रूरी है, वरना मैं कल अपलोड नहीं कर पाऊँगी। और मैं वैसे दोपहर को नहीं सोती हूँ, बट क्या हुआ कि आज मैं जल्दी उठ गई, जल्दी इन द सेंस मैं 8:30 बजे उठ गई थी। हाँ, ये मेरे लिए बहुत जल्दी है क्योंकि आई एम अ लेट राइजर, सो इसलिए मुझे अभी दोपहर को नींद आ रही थी खाना खाने के बाद। और मैं जानती हूँ ये बहुत अनहेल्दी है, स्पेशली मेरे जैसे इंसान जो ओबेस हैं उनके लिए। तो मैं नहीं सोती हूँ और शायद मैं फिर कभी नहीं सोऊंगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं एक बिगिनर हूँ, यूट्यूब में जस्ट मेरे 2 ही वीडियोस हैं, तो आई एम रियली न्यू, मुझे सबके बारे में एक्चुअली में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सो अगर मुझसे कभी कुछ गलती हो जाए देन प्लीज़ पार्डन मी। और बेसिकली क्या होता है, मैं फ़ोन से सब कुछ करती हूँ, मतलब मेरे पास ना लैपटॉप पीसी कंप्यूटर कुछ नहीं है। सो लैपटॉप में करना एंड फ़ोन में एडिट करना अपलोड करना इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, और दोनों की चीज़ें अलग होती हैं, दोनों में करने का टेक्निक अलग होता है। सो डिफ़िकल्ट है, बट जिन्हें अच्छा लगता है करने में वो तो किसी भी हालत में करेंगे, जैसे मैं। तो मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी मैं कब यूट्यूब में वीडियोस बनाऊंगी, कब अपलोड करूंगी, बट सिंस बोर्ड से एक ऐसी गेट है, बहुत बड़ी और बहुत ख़तरनाक गेट है, जिसे अगर अपने अच्छे से क्रॉस नहीं किया तो लाइफ के झंड हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं बोर्ड्स के बाद ही करूंगी, तो सिंस अभी मेरा बोर्ड्स हो चुका है, अभी मैं कॉलेज में जा रही हूँ, सो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है। और बहुत जल्द आई विल बी गेटिंग अ न्यू लैपटॉप, सो आई होप उसके बाद से मेरा ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा एडिटिंग का। और आपको वीडियो देख के पता चलता होगा क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ऑप्शंस ही नहीं होते तो मैं कहाँ से एडिट करूँगी। बट और सारे सॉफ्टवेयर्स फ़ोन में एडजस्ट नहीं होते, फ़ोन उसे हैंडल नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैं उन्हें यूज़ भी नहीं करती। और यूज़ करने से पहले आपको सीखना चाहिए ना, तो मैं वो अभी सीख रही हूँ, आई एम अ लर्नर। और मैं बहुत यूट्यूबर्स को मैंने ऐसे देखा है कि वो फ़ोन से ही करते हैं, तो उनसे मुझे एक मोटिवेशन मिला है कि अगर क्या हुआ मेरे पास, अगर लैपटॉप नहीं है कंप्यूटर नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मैं फ़ोन से भी कर सकती हूँ। सो दैट्स आई स्टार्टेड, और मुझे कुछ लोगों का रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, आई होप नेक्स्ट वीडियोज़ में और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो गाइज अभी बज गए हैं 8:00 बजे, और शाम को मैं आपसे मिली थी एक बार, तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी, लव स्टोरी बुक पढ़ रही थी, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं कुछ रेसिपी बनाऊँ, मतलब कुछ खाना बनाऊँ, और उसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एकदम ही सिंपलेस्ट बोल सकते हो, सिंपलेस्ट रेसिपी है, सो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आई थिंक आई एम श्योर ये आप सबको आता है, लाइक एकदम ईजीएस्ट रेसिपी सबको आता है, फिर भी मैं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ टमाटो, अनियन, गार्लिक एंड ग्रीन चिली है। तो सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल और कलौंजी दे दिया है मैंने, और फिर अनियन दे दिया है। अब मुझे इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये टोटली ब्राउनिश ना हो जाए। अनियन यहाँ पे ब्राउनिश हो चुका है, अभी मैंने गार्लिक दे दिया है। गार्लिक मैंने कुछ जूलियन कट करके दिए हैं और कुछ मैंने होल क्यूब्स दिए हैं, आप जैसा चाहो वैसा दे सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमेटोज़ दे दिए हैं, टमेटोज़ मैंने बड़े स्लाइसेस कट किए हैं, आप चाहो तो आप छोटे भी कट करके दे सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी मैं इसमें दे रही हूँ नमक, और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अभी इसमें दिया है हल्दी कलर के लिए, आप चाहो तो रेड चिली पाउडर दे सकते हो पर मैं नहीं दूंगी। फिर इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, और इसे तब तक कुक करते रहना है जब तक टमाटो सॉफ्ट होके मेल्ट ना हो जाए। तब तक आप इसमें जीरा, धनिया ये सब पाउडर दे सकते हो, बट मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि अनियन और गार्लिक का खुद एक अलग सा फ्लेवर होता है, तो मैं उसे
रिमूव नहीं करना चाहती दूसरे मसाले देके। फिर आप देख सकते हो यहाँ बाहर तेल भी निकल चुका है, और अभी मैंने ग्रीन चिलीज़ दे दिए हैं बीच से कट करके, और उसके बाद मैंने इसमें पानी दे दिया ताकि ये थोड़ा ग्रेवी हो जाए। आप चाहो तो आप इसमें ग्रेवी नहीं रख सकते हो, आप चाहो तो इसे ड्राई भी रख सकते हो, पर मुझे ग्रेवी वाला अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ग्रेवी ही रखा है। ये थोड़ा ड्राई होने के बाद मैं इसे सर्व कर दूँगी, ये हो चुका है। और ये है लुक बुक ऑफ द रेसिपी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, मैं अपना व्लॉग अभी यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। अभी रात के 11 बज चुके हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। सो हाँ, मैं दोपहर को सो चुकी हूँ फिर भी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और उसके साथ सब्सक्राइब बटन के पास में एक छोटू मोटू सा बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू, बाय बाय।